अनंत हेगड़े के बयान पर पूर्व सीएम फडणवीस की सफाई, तो केंद्र को कोई पैसा वापस नहीं दिया गया। तो आपको बता दें कि अनंत हेगड़े की तरफ से बीजेपी सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए केंद्र को वापस किया गया और इसीलिए 80 घंटे की सरकार जो है वो बनाई गई थी, सीएम बनाया गया था देवेंद्र फडणवीस को। तो पूरा पहले से ही प्लान के तहत इस काम को अंजाम दिया गया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस पर इस पर सफाई दी है, केंद्र को कोई वापस पैसा नहीं दिया गया, हेगड़े के बयान में कोई सच्चाई नहीं। तो अनंत हेगड़े का बयान निराधार, सारे आरोप झूठे। तो देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जिस तरह से अनंत हेगड़े ने ये खुलासा किया है, जो बयान दिया है वो गलत है। तो उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र को कोई राशि वापस नहीं की है। तो अनंत हेगड़े ने ये बयान दिया था कि 40,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई गई। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया, और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सीरियस से मैं नकारता हूं, और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। इस प्रकार की गलत बयानबाजियां, और कोई अगर गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना, ये दोनों एकदम सिरे से गलत है। जो कदम अगर उठाए होंगे सही में, तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मेरी विनती रहेगी इसकी जांच करें पहले। और दूसरी बात, कल तक जो मुख्यमंत्री थे आज विपक्ष के नेता है, अगर ये करते हैं तो वो खुद और उनकी पार्टी महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर रही है। जो आम जनता है उनके पीठ में खंजर को बस खंजर मार रही है, ताकि आज किसानों की अवस्था जानते हो आप क्या है, और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार उनको मदद करने की सोच रही है। अगर ये कदम उन्होंने उठाया होगा, क्योंकि आखिर वो हाँ सांसद है, उनको बयान कितना सच और नहीं झूठ है उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को ही देना पड़ेगा। उनका बयान आना चाहिए, अगर वो किया होगा तो ये पाप है, कुकर्म है, वो उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता देख लेगी कि कितना पाप इनके मन में था। केंद्र की सरकार उपकार नहीं करती, वो हमारा है, महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, वो इस तरह से वापस भेजने का अधिकार उनको नहीं है। नई सरकार उसके ऊपर निर्णय लेगी। अगर ये पाप किया होगा तो जितनी निर्भत्सना करे उतनी कम होगी। ये तो गद्दारी है महाराष्ट्र के साथ।